जिसकी निस्बत जो है ज़्यादा टेम्परेचर उनका गेयर स्लोली होता है और वो ज़्यादा टाइम चलते हैं। विंडो टाइप शीट स्टील केजेस, इनकी प्रॉपर्टीज दी हुई है डिफरेंट। लाइट वेट है, ये भी पॉलीफाइड की तरह हाई स्ट्रेंथ है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर इनका ज़्यादा है, उनका 120 डिग्री तक था, ये 300 डिग्री तक है। और ये हाई वाइब्रेशन सस्टेन कर सकते हैं और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी रिलीज करते हैं। लेकिन ये कि अगर आपके लुब्रिकेशन जो आप लुब्रिकेशन पॉलिसी या लुब्रिकेशन रूटीन प्रॉपर नहीं है तो ये सेंसिटिव है ज़्यादा, ये ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा इनका। विंडो टाइप सॉलिड ब्रास केजेस, इसमें इसकी प्रॉपर्टी में मल्टीपल डिज़ाइन हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा है। मल्टीपल डिज़ाइन हमने देखे MMA MB ML, तो ये मल्टीपल डिज़ाइन हैं इसके अंदर विद रिवेट्स विदाउट रिवेट्स। और हाई सूटेबल फॉर हाई स्पीड इन कनेक्शन विद सर्कुलेटिंग ऑयल, अगर ऑयल लुक। ये एप्लीकेशन कहाँ होती है हाई स्पीड इन कनेक्शन विद सर्कुलेटिंग ऑयल? एप्लीकेशन क्या होगा? हाँ, गियर बॉक्सेस में भी है। जहाँ ऑयल बात हो जी, तो वहाँ पे ये ज़्यादा सूटेबल है ऑयल लुब्रिकेशन में, क्योंकि इनके पार्टिकल्स आप ऑयल में से फिल्टर कर सकते हैं, ग्रीस में से नहीं कर सकते। वाइट मेटल, जो वाइट मेटल बेयरिंग होते हैं वो भी तो ऑयल लुब्रिकेटेड है। हाँ, लेकिन वो टोटल डिफरेंट डोमेन है ना। ठीक, रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग में जो ब्रास केज बेयरिंग बनते हैं वो ऑयल लुब्रिकेशन के अंदर ज़्यादा आइडियली इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसकी एप्लीकेशन हैं जहाँ पे आपका बेयरिंग का साइज 22238 40 42 48 52 56 ऊपर जाता जाएगा, स्टील केज कम हो जाएगा यूज़, ब्रास केज ज़्यादा होगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा साइज के बेयरिंग में आपकी प्रायोरिटी होती है कि आप उसकी कूलिंग को कंट्रोल करें, और कूलिंग कंट्रोल करने के लिए ग्रीस से आप नहीं कर सकते, ऑयल से कर सकते हैं। इस वजह से फिर ब्रास और ऑयल ये दोनों कंप्लीमेंट्री हो जाते हैं लार्ज साइज बेयरिंग में। ठीक है, जिसमें वो सर्कुलेट करता है वो भी फोर्स लुब्रिकेशन है। ठीक है, लेकिन वो कंप्लीट ब्रास बुश है, लेकिन वो स्लो स्पीड है। हाँ, वो स्लो स्पीड है और ब्रास है ना, क्योंकि किलन के पूरे का आरपीएम 4 होता है। हाँ, उसको हम इससे कंपेयर नहीं करेंगे, वो टोटल डिफरेंट चीज है। जी सर। अरे सर, मेरे दिमाग में एग्जांपल आ रही है लेकिन अब आई डोंट नो कि एग्जैक्टली इसी में फॉल करेगी नहीं। हमारे पास कंप्रेसर्स हैं एटलस कॉपो के, ठीक है, तो उनमें जो प्रेजेंट टाइप है हमारे पास एग्जिस्टिंग लाइंस पे, उसमें 2900 आरपीएम की मोटर है, अराउंड 90 किलोवाट, तो उनका ड्राइव एंड बेयरिंग जो है वो बेसिकली ऑयल लुब्रिकेटेड है, कंप्रेसर ऑयल लुब्रिकेटेड है, तो क्या वो इस डोमेन में फॉल करेगा? वो है रोलर बेयरिंग है, हाई स्पीड है ना, हाई स्पीड 2900 इस वजह से करेगा। उसमें ब्रेकेज कौन सा है आगे वाली, मैं उसमें देख लेता हूँ क्या है। वो क्योंकि हाई स्पीड है और कंप्रेसर के अंदर आपको बास जगहों पे स्पेशल लुब्रिकेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ऑयल लुब्रिकेशन हो सकती है वहाँ पे भी जी। और रिसेंटली हमें उसमें बहुत इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि एक तो हाई स्पीड है तो मुझे लगता है जो बेयरिंग की फिटिंग और माउंटिंग है उसमें बहुत प्रिसीजन भी चाहिए होती है। एग्जैक्टली। दूसरा उसमें इशू ये है कि कंप्रेसर ऑयल जो है, हम तो ये कहते हैं कि बेयरिंग में ड्राई साउंड आया, एक्सेलरेशन बढ़ी हुई है, अब हम इतना इजीली चेक नहीं कर सकते कि क्या वो लुब्रिकेट हो रहा है, क्योंकि लुब्रिकेशन हमारे हाथ में नहीं है, उसने कंप्रेसर ऑयल के थ्रू होना है। अगर वो ऑयल का टेम्परेचर डिस्टर्ब होता है तो वो आगे आके सील को डैमेज कर देता है, वो ऑयल मोटर के कनेक्शन बॉक्स से आ रहा होता है। बिल्कुल। तो हमें तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा इशू आया, पहले हमने सोचा शायद बेयरिंग की क्वालिटी ख़राब है, यहाँ पर जो रेट है वो इम्पोर्ट करने वाले रेट से बहुत फ़र्क है, तो फिर हमने क्या किया कि इंपोर्ट कर लिए, डायरेक्ट पूरी किट इंपोर्ट हुई एटलस कॉपको से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वाली भी 3-4 महीने से ज़्यादा नहीं चली। तो एक तो बात उनकी माउंटिंग में है जो कि काफ़ी डाउटफुल है, हमारी वर्कशॉप की कुछ टेक्निक्स जो है, बल्कि सर ने विजिट भी किया, उन्होंने काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की थी। और दूसरा, अगर इस ऑयल में मतलब ऑयल प्रॉपर उसमें उसकी क्वालिटी ठीक ना हो, फिल्टर ना हो रहा हो, तो वो भी तो इफेक्ट करेगा इसकी बेयरिंग की लाइफ। डेफिनेटली, बिल्कुल करेगा। तो हमने इस पे एक इन हाउस एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब
हमें तो बैठे हम एक फेल्ड एग्जांपल भी डिस्कस कर सकते हैं जी। हमने ऑयल लुब्रिकेशन के आगे प्लेट लगाई, प्लेट लगाई और हमने हमने कोशिश किया कि हम इसको ग्रीस पे कन्वर्ट करें, ठीक है। अब हमने सेपरेट तो किया उसको अपनी तरफ से, उसमें ग्रीस पंपिंग भी की, उसका बेयरिंग जो है हमने फिर ग्रीसेबल लगाया था, लेकिन वो ज़्यादा अरसा उस पर भी उसी वक्त भी डबल मतलब दौर आई थी कि चलेगा नहीं चलेगा, वो ज़्यादा अरसा इसलिए नहीं चल सका क्योंकि जो ही उसमें ऑयल गया तो ग्रीस तो ख़त्म हो गई, और जब ग्रीस ख़त्म हुई तो वो बेयरिंग फौरन सीज हो गया क्योंकि उसका हम ड्रेन नहीं बना सके थे प्रॉपर, और जारी बात है एक डिज़ाइन उस तरह बना हुआ उसमें इतनी ऑल्ट्रेशन करना पॉसिबल भी नहीं थी, तो वो एज अ फेल्ड एग्जांपल कंसिडर हो सकता है। अब इन्हीं जगहों पे जिन प्लांट्स में वाह की एग्जांपल है, आप लोगों का आइडिया नहीं है मुझे, वाह में एटलस कॉपको के ही कंप्रेसर्स है लेकिन 1400 1480 के, तो उनमें आज तक प्रॉब्लम नहीं आया। तो ये एक आई गेस इस टाइप ऑफ बेयरिंग में एग्जांपल आती है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल बेयरिंग्स के बारे में बताया गया है, सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, आगे उसका कोड है DGBB, फिर सिंगल रो एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बेयरिंग, डबल रो। फर्क क्या है इनमें? पहले दो की अगर बात करें, सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग को अगर आपने डिफाइन करना हो कि उसका नाम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो उसका जो रेसवे है वो डीप ग्रूव है। ओके, डीप ग्रूव है जिसकी बुनियाद पर उसका नाम रेलेवेंट है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप रेसवे की बात करें सिंगल रो एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बेयरिंग की, तो उसका रेसवे कैसा है? फ्लैट एंगुलर कॉन्टेक्ट बन रहा है, नॉट डीप ग्रूव, नॉट टेपर, एक एंगल पे कॉन्टेक्ट बन रहा है। वो एंगल कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 15 डिग्री से लेके 45 तक। तो जितना वो एंगल बढ़ता जाएगा उतना उसका एक्सियल और रेडियल लोड कैरी करने की कैपेसिटी चेंज होती जाएगी। तो दोनों के नाम से, सिंगल रो मींस एक ही रो है उसमें और उसका कॉन्टेक्ट एंगुलर बन रहा है। सो नेक्स्ट क्या है? डबल रो, डबल रो एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बेयरिंग, उससे आगे 4 पॉइंट एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बेयरिंग। अब इसमें आप देखिए इनर रिंग जो है वो बिल्कुल 2 पीसेस में है, तो आप इस पे अगर रेडियल लोड डालेंगे तो ये नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना होगा, इसको सिर्फ एक्शन लोड के लिए या सिस्टम को लॉक करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी आगे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। लास्ट है सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग। आप इसकी जो आउटर रिंग की रेसवे है वो चेक करें, कर्व में है। वो कर्व होने की वजह से एंगुलर वो जो सेल्फ अलाइनिंग की एबिलिटी एक्चुअली वो उसमें आ जाती है, और आप इसी को अगर बड़ा करें तो इसमें बॉल की जगह रोलर डाल दें तो रोलर बेयरिंग में स्फेरिकल में आप चले जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएं। अगर सर हम इसमें, सॉरी क्वेश्चन है, अगर एंगुलर और एक्सियल लोड्स को डिफाइन करें तो एक्सियल में आपके जो मोमेंट या फोर्स की डायरेक्शन है वो आप एक्स और माइनस एक्स में लेंगे, और एंगुलर में फिर क्या ऑल डायरेक्शंस? अगली स्लाइड में वो आ जाती है, वहां पे आप एक्सप्लेन करें खुद। ये आगे रोलर बेयरिंग, रोलर में आगे सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग और टेपर रोलर बेयरिंग, ठीक है। सिलेंड्रिकल रेडियल लोड के लिए टेपर रोलर का रेसवे टेपर है, ठीक है। और इसी तरह स्फेरिकल रोलर बेयरिंग में स्फेरिकल शेप के रोलर्स हैं, स्फेरिकल रोलर थ्रस्ट बेयरिंग में थ्रस्ट लोड कैरी करने के लिए स्फेरिकल शेप के रोलर्स हैं, ट्रायडल या टॉर्क, ट्रायडल एक्चुअली टॉर्क जो है ये RKB का नेम है, ब्रांड नेम है। कार्प जो है ये SKF का नेम है, कंपैक्ट अलाइनिंग रोलर बेयरिंग, और ट्राइडल टॉर्क, ट्राइडल रोलर बेयरिंग। ये दुनिया में सिर्फ 2 कंपनीज हैं जो ये बेयरिंग बनाती हैं। SKF ने इन्वेंट किया था 1995 में, RKB के पास कैपेबिलिटी है कि वो कार बेयरिंग बना सके, और FAG वगैरह NTN वगैरह ने भी अभी तक ये ट्राई नहीं किया। पाकिस्तान में SKF के बहुत ज़्यादा बेयरिंग लगे हुए हैं और दूसरे नंबर पे RKB के बेयरिंग लगे हुए हैं। सेंचुरी पेपर मिल्स में कार बेयरिंग हमारे चल रहे हैं 4 साल से, फैन एप्लीकेशन पे 22-228 साइज के स्फेरिकल और उसी का C2228 टेपर बोर के साथ। तो अगर आपको भी कभी कार बेयरिंग चाहिए या कार बेयरिंग लगा हुआ है और उसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही है, SKF में स्टॉक नहीं है, तो आप हमसे चेक करें, हो सकता है हम आपको सेम बेयरिंग RKB ब्रांड में दे सके। हमारा भी बूस्टर फैन में था, काफी जगहों पे लगा हुआ। लोड टाइप सब हम बात करते हैं जो आप जिक्र कर रहे थे। रेडियल लोड
देखिए कैसे परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट, परपेंडिकुलर टू द रोटर रोड कार, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये शाफ्ट के ऊपर मोटर में, और कार व्हील में जब वो स्ट्रेट लाइन में चल रही हो, या फैन, फैन कौन सा, नॉट सीलिंग फैन, इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट फैन जैसे हैं, उनमें 90 डिग्री का एंगल बनता है शाफ्ट के ऊपर इंपेलर के वेट का, जो कि रेडियल लोड कहलाता है। नेक्स्ट, अगर आपके पास रेडियल लोड है और सिर्फ प्योर रेडियल लोड है तो आप ये बेरिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले बेरिंग का नाम बताएं जी, राइट साइड पे टॉप पे। बॉल बेरिंग नहीं, पूरा नाम बताएं। सिंगल है लेकिन कौन सा टाइप है, अभी हमने पढ़ी है सारी। डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, वेरी गुड। अगर डीप ग्रूव बॉल बेरिंग आपने लगाया कन्वेयर पे, कन्वेयर में कन्वेयर रोल्स के साइडों पे डीप ग्रूव बॉल बेरिंग लगा होता है ना, बिल्कुल लगा होता है। तो अगर आपने लगाया और आपकी कन्वेयर चल रही है 100 किलोग्राम पर मिनट की फीट पे, आपने उसको कर दिया 600 किलोग्राम पर मिनट, कैपेसिटी बढ़ा दी आपने, अब बेरिंग टूटने लग गए, ठीक है। तो अब आपने अपग्रेड करना है तो आप क्या करेंगे, बॉल बेरिंग से स्लंडी करोला बेरिंग पे आ सकते हैं, अगर सिर्फ रेडियल लोड है, क्योंकि बॉल से रोलर की लोड करेंगे कैपेसिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। और अगर आप डीप ग्रूव बॉल बेरिंग नहीं इस्तेमाल कर रहे, आपने कन्वेयर में प्लमर ब्लॉक हाउसिंग लगी हुई है रोलर के साइडों पे, या बेल्ट है तो उसमें लगा हुआ सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग, प्लमर ब्लॉक हाउसिंग में सेल्फ लाइनिंग बॉल बेरिंग क्यों लगा हुआ है, कि वहां मिस अलाइनमेंट भी है और रेडियल लोड है। अब लोड बढ़ गया 100 से 600 हो गया, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, आप सेल्फ लाइनिंग बॉल बेरिंग से शिफ्ट करके स्फेरिकल रोलर बेरिंग पे शिफ्ट हो जाए। और अगर आपके पास रेडियल लोड है और उसमें माइनर एक्शन लोड भी है और आप मिस अलाइनमेंट नहीं है, आप बेरिंग यूज कर रहे हैं सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग के अलावा एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बेरिंग, तो एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बेरिंग पे लोड बढ़ जाने, सिर्फ लोड बढ़ जाने से आप टेपर पे शिफ्ट हो जाएंगे हायर लोड। रेडियल बेरिंग लोड की कंडीशन चेंज होने से आप किस किस बेरिंग पे शिफ्ट हो सकते हैं, बॉल से रोलर, बॉल से रोलर, ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमें पता चलता है। अब नेक्स्ट स्लाइड करें, ये लोड है जिसको कहते हैं एक्सियल लोड। एक्सियल लोड जो है वो पैरेलल टू द शाफ्ट एक्सिस काम करता है, एक्स और माइनस एक्स जी। तो ये जो लोड जहां पे होगा वहां पे ड्रिल प्रेस जैसे एग्जांपल है, ड्रिल प्रेस के अलावा क्रेन्स हैं, ठीक है, क्रेन्स के अलावा कोई एग्जांपल दें, जैसे आपकी वो है ब्लॉक जो जिसको कहते हैं ओवरहेड क्रेन का जो होस्ट है, तो आप ऐसी जगहों पे जहां ये लोड आता है और सिर्फ ये लोड होता है वहां कौन से बेरिंग होते हैं, नेक्स्ट करें जी, वहां पे आप बेरिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप बताइए जरा, राइट टॉप पे रोलर कौन सा, राइट टॉप पे सिंगल कौन सा बेरिंग, थ्रस्ट रोलर बेरिंग, थ्रस्ट रोलर, और लेफ्ट साइड पे थ्रस्ट बॉल बेरिंग, थ्रस्ट बॉल बेरिंग, थ्रस्ट बॉल बेरिंग, थ्रस्ट रोलर बेरिंग, और नीचे है स्फेरिकल रोलर थ्रस्ट, रोलर थ्रस्ट बेरिंग। तो ऊपर वाले दोनों सिर्फ थ्रस्ट लोड ले रहे हैं, सिर्फ एक्शन लोड ले रहे हैं, रेडियल नहीं ले रहे, ठीक है। नीचे वाला बेरिंग जो है वो थ्रस्ट और एक्सियल दोनों, रेडियल और एक्सियल दोनों ले सकता है। टर्बाइन्स में, वाटर टर्बाइन्स में अगर आप देखें, जो नीचे सबसे एंड पे बेरिंग लगा होता है वो स्फेरिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग लगा होगा, उससे दोनों तरह का लोड लेना है, वेट भी ले रहा है और उसको रोटेट करने के लिए जो चाहिए वो भी ले रहा होता है, हाइडल टर्बाइन जैसे। तो इस तरीके से ये अगर तीन बेरिंग आपके पास इस्तेमाल हो रहे हैं रेडियल लोड में, नेक्स्ट कीजिए। अब आपके पास तीसरा एक लोड आ गया जहां पे दोनों तरह का लोड आ रहा होता है, रेडियल भी और एक्सियल भी, कंबाइंड लोड। इसमें पंप्स हैं, पंप जैसे चल रहा है तो क्या हो रहा है, सक्शन भी कर रहा है,
ठीक है। और कार व्हील जब आप टर्न करते हैं तो रेडियल के साथ फिर एक्सेल भी आने लगता है। ऐसी जितनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हैं उसमें नेक्स्ट करें कौन से बेरिंग लगे होंगे, ये थी। सबसे पहले टेपर्ड रोलर बेरिंग, उसके साथ है कम लोड के लिए एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग में पेयर्स में बेरिंग्स लगाए जाते हैं। अगर आप सेम बेरिंग को कॉपी पेस्ट कर दें लेफ्ट राइट पे कहीं पे भी, तो ये टैंडम अरेंजमेंट बनेगा। टैंडम अरेंजमेंट में क्या होता है कि एक ही तरफ से एक्सियल लोड, अगर इसी बेरिंग को यहां से उठा के यहां पे रख दें तो इधर से लोड नहीं लेगा, इस तरफ से ऐसे लोड ले सकता है डबल। अगर ये इस वक्त 100 किलो न्यूटन एक्सियल लोड ले सकता है तो फिर 200 किलो न्यूटन पे आप जा सकते हैं। तीन बेरिंग भी लगा सकते हैं सेम साइज में, लोड बढ़ाना है आपने। नॉर्मली बड़ी जो ड्राइव्स होती हैं उनपे दो लगे होते हैं ड्राइव हेड पे। अब वो दो कैसे लगे होते हैं, इसी को आप उल्टा करके इधर रख दें, यानी ये कम वेट था ना, ये ज्यादा है, ये बैक है, ये फेस है, इसका फेस दूसरी तरफ फेस कनेक्ट हो जाए, दो फेस, तो इसको कहते हैं फेस टू फेस पेयर्ड एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बेरिंग। फेस उसका टुवर्ड्स मोटर आएगा? नहीं, ये फेस और दूसरे बेरिंग का आपस में मैं टच कर जाए, यानी अगर हम इसको एज इट इज उठा के इधर रखेंगे तो इसका फेस और दूसरे की बैक टच कर गई ना, वो होगा टैंडम अरेंजमेंट। मोस्टली वैसे हाँ, जब इस तरह बात कर रहे हैं गियर बॉक्स में, एक एक साइड पे शाफ्ट पे गियर बॉक्स वाली साइड पे बेरिंग है और दूसरा वाला जो है वो हमारे मोटर एंड वाली साइड पे है। मोटर एंड पे भी दो लगे होते हैं, मोटर एंड बड़ी ड्राइव मोटर्स है ना, जिस तरह वर्टिकल मिल की ड्राइव मोटर, उसके ड्राइव हेड पे एक रोलर बेरिंग है और एक बॉल बेरिंग है। अब वो एग्जैक्टली कौन सी टाइप है? सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग लगा होता है और 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट बॉल बेरिंग लगा होता है। आप नेक्स्ट करें, मैं आपको दिखाता हूँ, स्लाइड्स आपके लिए बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से बनाई है। नेक्स्ट, ये स्लाइड हमारी लास्ट है बिफोर लंच ब्रेक। यहाँ पे देखें आप गौर से, तो वो जो आपकी मोटर में अरेंजमेंट है ना वो ये है, सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग एंग और 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट बॉल बेरिंग। ये देखिए ये ऊपर जगह खाली है जी। यहाँ टच नहीं कर रहा ये इसका कवर, इसका मतलब लोड भी नहीं आ रहा, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये लॉक है, ये लॉक हो गया। लॉक से साइडेंस होगा ना? नहीं, वो तो ठीक है सर, ठीक है, लेकिन लॉक में थ्रू होगा। जी जी, आप देखें ये टच कर रहा है, वेट ले रहा है, ये वेट ले रहा है, ये दोनों लोड कैरी कर रहे हैं, ये लोड नहीं कैरी कर रहा, इसने सिस्टम को लॉक किया हुआ है। अगर ये बेरिंग हटा दें, ये बेरिंग 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट बॉल बेरिंग फॉर एग्जांपल, तो शाफ्ट को एक तरफ से पकड़ के दूसरे तरफ निकालें, इसने बेसिकली उसको एक्स और वाई में मूवमेंट, एक्स और माइनस एक्स में मूवमेंट रुकी हुई है। एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक साइड, देखिए मूवमेंट तो दोनों तरफ रुक गई, लेकिन इसने लॉकिंग पोजिशन ये है, लोकेटिंग ये नॉन लोकेटिंग हो गया। और वापिस आना है दोपहर 12 बजे और रात 12 बजे जून में और दिसंबर में, तो वो यहाँ अकोमोडेट होती रहेगी। इनर रिंग पे देखिए कोई कॉलर नहीं है, इसके इनर रिंग पे कॉलर है और आउटर भी लॉक है, इसका आउटर लॉक है लेकिन इनर रिंग फ्री है, तो ये इनर रिंग शाफ्ट के साथ आगे जाएगी, पीछे आएगी माइक्रोन्स में और सिस्टम स्मूथ चलेगा। द सेम वे ये डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है, लॉक भी हो गया, लोकेटिंग भी हो गया। ये सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग है, यहाँ पे देखें इनर रिंग पे लॉक नहीं है और ये यहाँ थर्मल एक्सपेंशन अकोमोडेट कर रहा है। ये देखिए ये भी लॉक हो गया दोनों तरफ, ये लॉक लग गया, इधर ये एंड कवर आ गया, स्फेरिकल रोलर बेरिंग ये स्फेरिकल शाफ्ट पे भी लॉक हो गया, तो ये लोकेटिंग हो गया। और ये कार बेरिंग है, ये टॉर्क बेरिंग है, ये इनर रिंग पे कोई कॉलर नहीं है, इसने फ्री होके नॉन लोकेटिंग थर्मल एक्सपेंशन अकोमोडेट कर। ये जो है आपके दो टेपर्ड रोलर बेरिंग मिल के इन्होंने सिस्टम को लॉक कर दिया, लोड भी कैरी कर रहे हैं लॉक भी कर दिया। ये नॉन लोकेटिंग है बिकॉज ये थर्मल एक्सपेंशन अकोमोडेट कर रहा है और वेट भी उठा रहा है सिलेंड्रिकल होने की वजह से।
तो अब आपने डिसाइड, OEM ने डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा अरेंजमेंट यहाँ लगाना है जो हमारी मशीन की वारंटी क्लेम भी ना हो और लॉन्ग लाइफ भी दे। अब आपके पास ये इख्तियार नहीं होता कि आप ये फोर पॉइंट कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग की जगह डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग लगा दें या इसकी जगह आप कुछ और लगा दें, इवन आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेक्टरिस्टिक्स चेंज करें, नहीं कर सकते। सर अच्छा, आपने जो एक सवाल जो बात की जो लॉक कर लेता है शेफ्ट को, तो सर शेफ्ट को भी तो जब कपलिंग हमारी लगी होती है मोटर से और शाफ्ट के ऊपर कपलिंग जिसको कपल किया होता है उसने भी तो एक तरह से लॉक किया जी। कपलिंग क्या, कपलिंग ने लॉक उस तरह नहीं किया होता, ये एक्चुअली कपलिंग जो है वो आपके इस मशीन से बाहर का हिस्सा है, तो इंटरनल लॉकिंग सिस्टम जो है मशीन का अपना, मोटर का अपना जी। या उस फैन के लिए वो जो बेयरिंग हाउसिंग के अंदर अपना होना चाहिए, ना कि हम डिपेंड करें उस कपलिंग के ऊपर। कपलिंग में भी गैप होता है, कपलिंग में भी गैप होता है। अब आप कपलिंग नहीं है, वहां पुली लगी हुई है, फिर कैसे लॉक करेंगे? तो वो एक्सटर्नल मैकेनिज्म है, हमें इंटरनल मैकेनिज्म चाहिए, मशीन के अंदर लॉकिंग सिस्टम चाहिए जो शाफ्ट को, शाफ्ट एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो जाती है ना कपलिंग में जाके, तो मशीन के अंदर दोनों बेयरिंग के दरमियान कोई डिस्कनेक्ट नहीं है, हमें वहां पे रिजिडिटी चाहिए, हमें वहां पे लॉकिंग मैकेनिज्म चाहिए जो माउंट, जो असल में ये लॉक कहाँ कर रहे हैं, ये हाउसिंग के अंदर लॉक कर रहा है और हाउसिंग के अंदर नॉन लोकेटिंग है, यहां हमें ये मैकेनिज्म चाहिए, बाहर नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हाउसिंग में लॉक नहीं करेंगे तो फिर वो जो डिफ्लेक्शन है उसकी, वो वाइब्रेशन भी क्रिएट कर सकती है, वो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर सकती है, वो लूजनेस क्रिएट कर सकती है, वो मल्टीपल अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। जो लॉक बेयरिंग है ये हम नॉन डिफेक्ट यूज कर सकते हैं, इसका मैकेनिज्म जो है मैं आपको सिखाता हूँ कि कहाँ लॉक कर सकते हैं और कहाँ नहीं। अगर आप ये देखें, ये एक हमारे पास शाफ्ट है, इस शाफ्ट पे ये एंड पे इंपेलर है, इसको क्या कहते हैं, इस मैकेनिज्म को जिसमें एंड पे होता है आपका इंपेलर, सिंपली सपोर्टेड या ओवरहंग, ये आपकी कपलिंग है, ठीक है, ये आपकी कपलिंग, यहां पे आपका बेयरिंग है और यहां बेयरिंग है। अब ये ओवरहंग हो गया ना, या कैंटिलीवर अरेंजमेंट हो गया, ऐसी सूरत में अगर यहाँ कपलिंग है, कपलिंग अगर यहाँ पे है, तो आप थर्मल एक्सपेंशन को इसकी प्लेट्स के दरमियान अकोमोडेट करेंगे। कौन सी प्लेट सर? ये जो केसिंग, इम्पेलर की केसिंग के दरमियान इसको कर देंगे लॉक, लोकेटिंग, लोकेटिंग इसको कर देंगे नॉन लोकेटिंग, कपलिंग वाला लोकेटिंग हो गया, ठीक है, इस केस में, और ये नॉन लोकेटिंग हो गया ताकि थर्मल एक्सपेंशन फ्रेम के अंदर अकोमोडेट होती रहे, है रिस्की लेकिन इससे ज्यादा गुंजाइश है वहां पे केसिंग में, इस कपलिंग से ज्यादा गुंजाइश। अगर यहाँ पुली है, ये आपकी बेल्ट है, ठीक है, तो आप इसको कर देंगे नॉन लोकेटिंग और इसको कर देंगे लोकेटिंग, फिर आप केसिंग में नहीं ड्राइव करेंगे थर्मल एक्सपेंशन। ये इंपॉर्टेंट है ओवरहंग कैंटिलीवर अरेंजमेंट के अंदर, इस बात को समझना, द मोमेंट इंपेलर्स कम्स बिटवीन द टू बेयरिंग्स, तो आप इसे क्या कहते हैं, सिंपली सपोर्टेड बेयरिंग अरेंजमेंट, शाफ्ट अरेंजमेंट, सिंपली सपोर्टेड में आप ये खत्म हो गया। अब इसमें चाहे यहाँ कपलिंग हो चाहे यहाँ पुली हो, हमेशा नॉन ड्राइव एंड, नॉन ड्राइव एंड वाला नॉन लोकेटिंग होगा और ड्राइव एंड पे लोकेट करेंगे आप। किसी भी अपनी एप्लीकेशन पूरे सीमेंट प्लांट पे उसका मैनुअल उठा के देख लें, उसके बेयरिंग की ड्राइंग खोल के देख लें, ये तीन तरीके से ही आपको मिलेगा, जैसी एप्लीकेशन होगा उसमें इनमें से कोई एक तरीका पिक किया हुआ होगा, कंपेयर कर लें जी। आपने जो बताया सर ये ओवरहंग में
नॉन ड्राइवेड में ही क्यों फिर वो वाला इसमें यूज हुआ है ओवरहंग में इसमें सर सिंपली सपोर्टेड में हाँ इसलिए कि यहाँ हमारे पास जगह बहुत है ना एंड पे इसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन यहाँ करें हम ना पुली के सूरत में पुली को छेड़ रहे हैं ना कपलिंग की सूरत में इसको कर रहे हैं इधर हमारे पास कनेक्शन है ना मोटर के साथ तो हम इसको कर रहे हैं क्योंकि नॉन ड्राइव एंड अब फ्री हो गया ना आगे एक्सपेंशन के लिए आगे जाए शाफ्ट पीछे आए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना फैन भी अंदर आ गया आफ्टर फैन थर्मल एक्सपेंशन हो रही है जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल मशीन पे मिनिमम आ रहा है इस वजह से हमने सिंपली सपोर्टेड में नॉन ड्राइव एंड को नॉन लोकेटिंग कर दिया अब आप क्या करते हैं लोकेटिंग रिंग्स होते हैं FRB वो यहाँ दे देते हैं इसमें नहीं देते यहाँ आप ऐसी हाउसिंग सिलेक्ट करते हैं जिसमें यहाँ बिल्ट इन रिंग्स होते हैं और इसमें बिल्ट इन नहीं होते जिसमें बेरिंग बैठ जाता है लॉक हो जाता है तो वो हाउसिंग ले लें वरना नई हाउसिंग जितनी आ रही हैं उनमें आपको ऑप्शन मिलता है वो सारी हाउसिंग नॉन लोकेटिंग होती है उसमें FRB रिंग्स लेने पड़ते हैं साथ और वो आप डाल के उसको कर लेते हैं वो कास्ट ही ऐसी हुई होती है कि कास्ट ही ऐसी होती है हाँ वो डिजाइन ही ऐसी होती है जी जी तो आप वो नहीं फिर चेंज फिर अगर आपके स्टोर में नॉन लोकेटिंग हाउसिंग पड़ी है वो ड्राइव एंड नॉन ड्राइव पे चेंज नहीं कर सकते हाउसिंग सिलेक्शन एक पूरा एक प्रोसेस है हाउसिंग सिलेक्शन में आपने क्या करना होता है लेट सपोज ये आपकी हाउसिंग है तो ये आपकी सेंटर शाफ्ट सेंटर लाइन शाफ्ट हाइट आपको पता होनी चाहिए आपका एक बोल्ट से दूसरे बोल्ट का डिस्टेंस पता होना चाहिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों में फर्क आ जाए आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी बेस उठानी पड़ेगी सेंटर लाइन शाफ्ट में मीट करने के लिए यहाँ गिरानी पड़ेगी बोल्ट अगर ऐसे हो गए तो बोल्ट नए बनाने पड़ेंगे होल ये दो चीजें मेन होगी उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो आती है कि आपकी हाउसिंग का जो डिजाइन है उसमें आपने देखना है कि ड्राइव एंड की हाउसिंग है या नॉन ड्राइव एंड की हाउसिंग है ये इम्पोर्टेंट है फिर आपने देखना है कि हाउसिंग जो है आपकी वो लोकेटिंग है या नॉन लोकेटिंग है वो इससे लिंक्ड है लोकेटिंग हाउसिंग है तो उसका नंबर ही और होगा नॉन लोकेटिंग है तो और होगा लेकिन SESONL जैसे जो SKF की नई डिजाइन हैं इवन HFB की वो FAG की भी उन